नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर किस्मत खींची कार। एएस 2021 में कोऑपरेटिव निरीक्षक की पोस्ट पर चयन होने से खटीक समाज, हर्ष की लहर है। सरवार की रहने वाली किस्मत खींची। वर्तमान में धनातरी जिला बूंदी शिक्षा विभाग में LDC के पद पर कार्यरत थी, लेकिन किस्मत खींची का जज्बा था कुछ बड़ा बनने का, इसलिए निरंतर प्रयास जारी रखा और RAS 2021 में सफल होकर मेंस भी क्लियर करने में सफलता प्राप्त की। राज्य सरकार द्वारा कल जारी हुए आदेश में किस्मत खींची का अजमेर में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के तौर पर अंतिम रूप से चयन हुआ है। किस्मत खींची का कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के रूप में चयन होने पर खटीक समाज में हर्ष व्याप्त हो गया है। इस दौरान बूंदी पहुंचने पर किस्मत खींची का समाज बंधुओं द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। बूंदी में स्थित आदिवासी छात्रावास में किस्मत खींची का माला पहनाकर, पगड़ी बंधवाकर व मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं दी गई एवं परिजनों एवं रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। किस्मत खींची को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। राजेश खुलीवाल की रिपोर्ट, बूंदी। हाँ जी, आपका सिलेक्शन हुआ है, क्या कहना, थोड़ा बताइए विस्तार से। जी सर, नमस्ते, मेरा नाम किस्मत खींची है। मेरा हाल ही में RAS 2021 की परीक्षा भर्ती में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। मैं वर्तमान में LDC के पद पर जिले के अंदर, और उसके साथ ही स्कूल के साथ रहकर मैंने तैयारी करी और प्रॉब्लम सब बहुत सारी आई प्री मेंस इंटरव्यू, लेकिन मैंने हिम्मत रखी और घर वालों ने, परिवारजनों ने और समाज वालों ने, सब ने बहुत हेल्प करी और फिर फाइनली आज मेरा अंतिम रूप से चयन हो गया है। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आएगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, अंत तक लड़ना है जब तक कि जीत नहीं मिल जाती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल बहुत से स्टूडेंट होते हैं, छात्र नंबर कमाने पर या फिर असफल होने पर हताश हो जाते हैं, कई गलत कदम उठाते हैं, क्या कहना है उनके लिए आपका? जी, तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, डरो मत, तुम आगे बढ़ो, सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं आज जिस पद पे हूँ, जहाँ हूँ, इससे पहले मैंने कभी असफल नहीं हुई। इससे पहले मैं कई भर्तियों में असफल हुई हूँ, मैंने असफलताओं का सामना किया है, लेकिन ये देखा कि मेरी कहाँ कमी रह गई, क्यों मैं असफल हुई, उस कारणों को ढूंढा, उनको दूर किया, लगातार प्रयास किया, तो आज मैं सफल हो गई। तो अगर मैं हो सकती हूँ तो आप भी हो सकते हो। तो आपको असफलता को इसे नहीं लेना कि भाई असफल होगा तब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, उसके बारे में नहीं सोचना है। बस आपको तो अर्जुन की तरह चिड़िया की आँख दिखाई देनी चाहिए कि मुझे बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे एक अटैम्प्ट हो या दो अटैम्प्ट हो। देखने को मिला है कि आपके परिवार भी, जो बैकग्राउंड देखने को मिला है कि एकदम साधारण परिवार से हो। कई लोग छात्र ऐसे होते हैं जिनको अच्छा माहौल मिलता है, पढ़ाई लिखे परिवार मिलता है, उसके बावजूद सफल नहीं हो पाते हैं, और आप बहुत संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हो, क्या कहना है उन छात्रों से जो सुविधा मिलने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं और पीछा हट जाते हैं? जी, जब जो जिनको इतनी अच्छी सुविधा मिलती है उसके बावजूद नहीं पढ़ती, तो हमारी खुद की गलती होती है। हम नहीं आगे खुद ही नहीं बढ़ना चाहते, हम हमारे पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। जिससे जो गरीब परिस्थिति से निकलता है, जैसे मैं हूँ, मुझे RAS के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि RAS क्या होता है, किस तरह से बनते हैं, क्या पढ़ना होता है, कुछ नहीं पता। तो इधर उधर से पता करके कि अच्छा रिजल्ट आया, इसने इन टॉपर्स ने ये कहा, इन्होंने ये पढ़ा, तो अपन को पढ़ना है। तो आपको अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर वाले एक टाइम पर आपका साथ दे देंगे, सब साथ देंगे, लेकिन एक टाइम पर शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो आपको मतलब ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुँचा देगी, और उससे आने वाली आपकी कितनी पीढ़ियाँ संवर जाएगी। इसलिए आप खुद के बारे में ना सही, तो अपने समाज के बारे में, देश के बारे में, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हुए पढ़ो, बहुत ज़रूरी है आजकल शिक्षा।